हम में से काफ़ी सारे लोग स्मार्टफोन के कैमरा को काफ़ी हल्के में ले लेते हैं, एक सोचते हैं इससे अच्छी फोटो नहीं आएगी, बट ऐसा नहीं है यार। यदि आप मैनुअल मोड का यूज़ करना सीख गए तो आप काफ़ी अमेजिंग फोटो ले सकते हो और क्रिएटिव क्रिएटिव फोटो ला सकते हो अपने स्मार्टफोन पर। तो आज की इस वीडियो में बात करूँगा आपसे नाइट फोटोग्राफी के बारे में और बताऊँगा कि कैसे आप रात में भी एक नंबर फोटो ले सकते हो, मतलब ऐसा लगेगा जिनको देखने के बाद आप नाचने की इच्छा रखोगे, मतलब नाचना शुरू कर दोगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए और सारी चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। हाई एवरीवन, एप्स इन्फो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रशेखर पटेल और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा स्मार्टफोन फोटोग्राफी के बारे में और बताऊंगा कि कैसे आप रात में भी काफ़ी अमेजिंग फ़ोटो ले सकते हो। कुछ मैनुअल सेटिंग आपको यूज़ करनी होगी और यदि आपके पास में हेडफोन है, मतलब हेडफोन जिससे आप बात करते हो वो है, तो उससे भी आप काफ़ी अच्छी फ़ोटो ले सकते हो। तो सबसे पहले बात करूंगा ब्लैक बैकग्राउंड की, मतलब आप देख सकते हो सब्जेक्ट बस दिख रहा है, बाकी सारी चीज़ें ब्लैक हैं और जो गुलाब का फूल है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मतलब इससे आपकी गर्लफ्रेंड तो खुश हो ही जाएगी, कन्फर्म बता रहा हूँ। तो ऐसे शॉट लेने के लिए आपको यूज़ करना होगा मैनुअल मोड फर्स्ट थिंग, और आप ध्यान रखिएगा कि ISO आप हमेशा कम रखें और प्री फोकस कर लें आपके ऑब्जेक्ट को और एक्सपोजर को लॉक करें। सबसे पहले जो शटर स्पीड रखनी है वो 1.7 रखनी, मैंने 6 रखा है, 1.6 या 7 आप रख सकते हो। फ्लैश रखना है ऑटो मोड पर, शटर स्पीड जो मैंने पहले बताई थी वो, और ISO रहेगा 100 पर। देन फोकस जो रहेगा मैंने पहले ही बता दिया था, आप ऑन रखिए फिर ऑटो मोड पर रखिए तो अच्छी फोटो आएगी, और हेडफोन से जो बटन है वो दबा दीजिए, देखिए फोटो काफ़ी अमेजिंग आएगी और सब्जेक्ट फोकस में रहेगा। तो यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो ISO 100, शटर स्पीड 1.6, फ्लैश ऑटो और देन क्लिक द पिक्चर, काफ़ी अच्छी फोटो आएगी। अब इसको बोलते हैं लाइट पेंटिंग शॉट, जैसे लाइट चलते हो देख रहे हैं आपको, तो ये वाली फ़ोटो भी आप ले सकते हो और जिन लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा ये देख के तो आप भी ले सकते हो ऐसी फ़ोटो। मैंने मोटरोला G4 प्लस से ली है और ये स्टार वाली फ़ोटो। तो ऐसी फ़ोटो लेने के लिए आपको सबसे पहले तो सड़क के किनारे खड़ा होगा, मतलब निश्चित दूरी बना के, देन ISO 100, शटर स्पीड सेम कम से कम वाली, और एक चीज़ और करनी है एप्स इन्फॉर्मर चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार अभी के अभी यूट्यूब पे, मतलब अभी के अभी। और अपेचर सेट करना है, आपको देखना है कि जो लाइट है वो फैल रहा है कि नहीं फैल रहा उस ऑब्जेक्ट का जब भी वो आपके नज़दीक से गुजरेगा। मैंने काफ़ी दूर से ली है फ़ोटो इसलिए शायद आपको अच्छा देखने को ना मिले, बट यदि आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पर गाड़ी की रफ्तार काफ़ी तेज़ है और लाइट अच्छे से आ रहा है तो आप एक लाइट पैनिंग शॉट बहुत ही बढ़िया तरीके से ले सकते हो। मैंने यहाँ पर ट्राईपॉड का यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं ऑफिस से जस्ट निकला था और मेरे पास में कुछ भी नहीं था, खाली अपने स्मार्टफोन था, तो मैंने एक दूर खड़े प्लेस पर जाकर ऊपर खड़ा हुआ और एक फ़ोटो ले ली, उतनी अच्छी नहीं आई है, बट आप लाइट पैनिंग शॉट ले सकते हो और आपको दिख भी रहा होगा। तो मैंने पहले दिखा दिए थे शॉट सबसे ऊपर ही, तो ऐसे आप एडजस्ट करके लाइट पैनिंग शॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं कि आपके सब्जेक्ट का जो फोरग्राउंड है वो ब्लैक रहे और पीछे के एरिया का कलर आए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपके घर के बाहर निकलना होगा और देखना होगा ऐसी जगह जहाँ पर लाइट हो, मतलब लाइट लगा हुआ स्ट्रीट लाइट हो और उसके सामने आपके घर का गार्डन हो या पौधा हो, तो ये क्रिएटिव फ़ोटो होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, बट आप ले सकते हो, आपको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि जो भी फोटोग्राफर होते हैं ना वो एक प्लेस प्रॉपरली ढूंढते हैं अपने सब्जेक्ट की फ़ोटो को क्लिक करने के लिए। तो यहाँ पर भी सेम रहेगा, मैंने टेलीस्कोप का यूज़ किया, यहाँ पर बता दूँ सबसे पहले जो लाइट है उसके एक्सपोजर को लॉक किया है, ISO 100 पर रखा है, शटर स्पीड 1 पॉइंट, मतलब 1 सेकंड 15 सेकंड के ऑप्शन है, 1/15 रखा हुआ है और बाकी सब चीज़ें ऑटो मोड पर हैं, फ्लैश बंद है, ठीक है, तो ऐसा रखना है आपको। देन यदि आप चाहो तो शटर स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो, बट 1/15 है तो भी आप अच्छी फ़ोटो ले सकते हो। तो आपके लाइट के हिसाब से एडजस्ट करो और देन बस जैसे सब्जेक्ट फोकस में आएगा क्लिक द इमेज, यूज़ हेडफोन, हेडफोन का यूज़ करोगे और बटन दबाओगे तो फोटो आती है क्योंकि आपका जो हेडफोन है वो सेल्फी स्टिक के जैसे यूज़ कर सकते हो आप उसको, यदि आपको नहीं पता है तो हेडफोन यूज़ करो यार, यदि फ़ोटो स्टेबल नहीं आती है और शेक आ जाता है तो यू कैन यूज़ हेडफोन, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है और फ्री फोकस आप पहले से कर सकते हैं। तो ये वाला शॉट आप ना मून के गड्ढे देख सकते हो, मतलब इतनी दूर से टेलीस्कोप का यूज़ किया मैंने इसमें और ये वाली फ़ोटो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो नॉर्मली यदि आप आपके फ़ोन से खींचते हो फोटो मून की तो कुछ इस प्रकार से आएगी, मतलब एक स्ट्रीट लाइट जल रहा होगा ऐसे, बट यदि आप ISO डिक्रीज़ करोगे 100 पे रखोगे
और खींचोगे ना तो आपको बराबर चांद दिखेगा, और 4x जूम कर लो और शटर स्पीड को एडजस्ट कर लो उसके हिसाब से, मतलब जो गैस होती है चांद पर, गैसीय तत्व होते हैं जो धब्बे देखते हैं, तो यदि आप उन्हें देखना चाहते हो तो शटर स्पीड को लो करके देख सकते हो तो वो दाग भी दिख जाएंगे, बट यदि नहीं दिखते हैं तो जूम करके देखो, मगर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी। यूज़ करो यहाँ पर टेलीस्कोप का, जिन लोगों के पास में नहीं है बुलवा सकते हो, अमेज़ॉन पर 500 से 400 की आती है। अब मैंने ISO फिर से 100 रखा है, यहाँ पर टेलीस्कोप का यूज़ किया है, टेलीस्कोप का यूज़ भी किया और साथ में 4x किया, मतलब अभी 12x हो गया है। अभी देखो यहाँ पर चांद के प्रॉपरली जो धब्बे होते हैं, मतलब जो डॉट्स होते हैं या गैसेस जो भी होती हैं, वो दिख नहीं रहा है। जैसे ही मैं शटर स्पीड को सबसे कम पे ले जाऊँगा तो दिखना सही साट नहीं दिखेगा, बट जैसे ही शटर स्पीड को मैं कम करते जाऊँगा तो आप देख सकते हो डॉट्स दिखना शुरू हो गए हैं। बट शटर स्पीड 1:180 सबसे प्रॉपर है, और आप सबसे पहले ग्रिड लाइन के बीच में लाइए मून को, उसका एक्सपोजर लॉक करिए, और हेडफोन से जो कॉल उठाने वाला बटन है उससे इमेज क्लिक करिए, काफ़ी अमेजिंग फोटो आएगी। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आप मुझे बताना, मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी इन सारी फ़ोटोज़ को अपलोड करूँगा। बस आज की वीडियो में इतना ही वीडियो होगा, आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँगा से नेक्स्ट वाली वीडियो में बहुत जल्द। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, काफ़ी मेहनत लगी और मैंने काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो अपलोड किया है, तो मैं मिलूँगा से नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।